हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे गुड आज के वीडियो में अपना लिविंग रूम मेकओवर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे को पूरा ही लिविंग रूम का हल्का फुल्का ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा मोटा चेंजेस करने थे तो आई एवज लाइक क्यों ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा यू नो ऐसा होम डेकोर ये सब पसंद आते हैं विदाउट फदर दू लेट गेट स्टार्ट द वीडियो बट उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या जो करो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करो बेलाइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी हमें भूलिएगा फर्दर नोटिफिकेशन लास्ट में अगर आपके लिए वीडियो वन भी अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए सबसे पहले पहले मैंने क्लीनिंग से स्टार्ट किया है क्योंकि यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा डर्ट एंड झाला मकड़े वगैरह लग जाते हैं तो वो सबको मैंने सबसे पहले हटाया है जो कि सोफ़ा के पीछे कुछ थे एंड वॉल पे जो भी डर्ट वगैरह बैठी थी उसको मैंने साफ़ किया देन पूरा ही अच्छे से क्लीनिंग करके उसके बाद मैं आगे हाथ लगाई हूँ किसी चीज़ में थोड़ा मोड़ा जो अपनी जगह पे सामान था उसको मैंने हटाया है क्योंकि उसको फिर से अच्छे से क्लीन उन करके हम अपनी जगह उस जगह पे रखेंगे तो क्लीनिंग यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट डन है अब मैं सोफ़ा वोफ़ा अपनी जगह पे सेटल कर रही हूँ ताकि जैसे था वैसे हो जाए दोबारा क्योंकि मैं सोफ़ा अरेंजमेंट में कोई भी यू नो चेंजिंग नहीं कर रही करी क्योंकि वो जहाँ जैसे वहीं सही है देन उसके बाद मैंने सोफ़ा को अच्छे से मार मार के पीट पीट के पूरा साफ़ किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाता है कवर लगाने के बावजूद आई डोंट नो क्यों बट या ऐसा कुछ हो गया था तो मैंने अच्छे से पटक पटक के पूरा साफ़ किया सोफा ताकि जितने भी धूल मिट्टी हो दर्द वगैरह वो अच्छे तरीके से निकल जाए एंड या yeah. उसके बाद मैं आगे से सेंटर टेबल पर क्योंकि सेंटर टेबल के नीचे जो मेरे स्पेस है उसमें बहुत कचरा घुस गया था लाइक न्यूज़पेपर्स एंड पता नहीं क्या तो क्या घर का सामान तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है लैपटॉप वगैरह भी हम लोग नीचे ही रखते हैं तो उसको अच्छे से लेके पोच ओच के फिर जो जो मतलब नेसेसरी चीज़ें थी जैसे लैपटॉप उसके चार्जर्स एंड कुछ और आइटम्स तो मैं अच्छे से रख दी हूँ देन अभी आती है कि जो सेंटर टेबल के ग्लास को पहुँचने की बारी तो वो मैं कुलिन के हेल्प से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से ताकि एकदम चमकने लगे क्योंकि इसी पे हम लोग अक्सर बैठ के चाय वगैरह नाश्ता वास्ता हम लोग का इसी पे हो जाता है क्योंकि डाइनिंग टेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर उसके बाद मेरे पास वॉल पेंटिंग्स जो लगी हुई थी वॉल पे उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया ये थ्री सेट वॉल पेंटिंग आप देख रहे हो ये मैंने मीशो से लिया है वो सब प्राइस वगैरह मैं हर चीज़ दे दूँगी लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में बाई चांस आपको पसंद आया तो वहाँ जाके चेकआउट कर लेना और परचेज़ कर सकते हो बहुत ही सुंदर ये आपको ना वॉल पेंटिंग्स मिल जाती है और पीछे आपको चारों तरफ ना फ्रेम भी दिया हुआ है वुडन फ्रेम तो बहुत अच्छा लगता है ये मेरे पापा को अवॉर्ड मिला था तो वो लगा उसको मैंने पूछा देन ये भी मैंने मीशो से ही लिया है स्टिकर मिरर स्टिकर जो भी आप बोलो वो बहुत सुंदर लग रहा था अभी मैंने रिसेंटली इसको परचेज किया है आप हॉल अगर देखे होगे तो उसमें शेयर किया था बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है ये मेरे को 150 के अंदर मिल गया था और कुछ नहीं करना है बस आपको इसका जो स्टिकर होता है पीछे वो निकालना है देन स्टिक करना है फिर आगे भी आपको रैपर दिया होता है वो निकालना है देन उसके बाद गुड टू गो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन मिल जाते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो एंड ये हेक्सो शेप का भी जो वॉल पेंटिंग है ये भी मैंने से लिया है इसमें आप जितने भी मेक में मेरे आप डेकोरेटिंग आइटम्स देखोगे वो सारे मैंने मीशो से परचेस किए हैं सारे के लिंक्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ये सारे सीलिंग लाइट्स भी मैंने मीशो से ही लिए हैं बहुत चीपेस्ट प्राइस में मेरे को मिल गए थे अंडर सेवन हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड के ये थ्री लाइट सीलिंग लाइट्स हैं जो आप आ, सिंगल गोल्डन कलर का कर देखे हो गए ऊपर सीलिंग लाइट्स वो मैंने फाइव हंड्रेड में परचेस किया था ये सब मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बाई चांस आपको कोई भी इसमें आइटम्स पसंद आए तो अगर आप परचेस करना चाहो तो दस वाई आप परचेस कर सकते हो और सारे ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं डेकोर के लिए बहुत सुंदर सुंदर है तो अगर आप देखोगे तो मेरे सोफा के बगल में एक कॉर्नर है छोटा से वहाँ पे जगह भरने के लिए मैंने थ्री टीयर का वुडन शेल्फ रखा है जो कि मैंने अगेन मीशो से ही लिया था फोर हंड्रेड समथिंग का मेरे को ये मिला था और बहुत ही अच्छा एक ये ना वो आइडिया है किसी भी कॉर्नर को डेकोर करने के लिए क्योंकि ये हल्का सा ना वो ट्रायंगल शेप में है तो किसी भी कॉर्नर में आप रखोगे तो बहुत ही सुंदर लगता है और ऊपर ये मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट्स रखा है पर्पल कलर का जिसमें आपको दो आ सॉरी टू आर्टिफिशियल बर्ड्स मिल जाते हैं प्यारे प्यारे ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था एंड उसके नीचे मैंने ये लाफिंग बुद्धा रखा है सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे ये मैंने ना लोकल मार्केट से लिया था सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ में एंड ये मैंने एक ऐसे सिंपल पॉट जो मेरे पास ऐसा पूजा वाला कलश वाला पॉट नहीं होता वो ऐसा पड़ा हुआ था उसको मैंने उसके ऊपर ये मोजाक आर्ट ट्राई किया था बहुत ही सुंदर बन गया था तो उसमें मैंने ये आर्टिफिशियल लीफ डाल के ऐसे रख दिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था इसका मैंने वीडियो डाला है डिटेल में अगर आप चेक करना चाहते हो तो उस उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो वैसे आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी आर्ट नहीं बनाना आता होगा तो बहुत ईजी है वैसे इस सोफा के इस लेफ्ट साइड के कॉर्नर का तो हमने जुगाड़ कर दिया उस साइड भी राइट साइड भी हमारा कॉर्नर खाली है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक डी टेबल टाइप बनाया था लाइक ये कार्डबोर्ड से मैंने बनाया है कार्डबोर्ड क्या बोलूँ मैं कार्टून से जितने भी बेकार जिसमें भी आपके पार्सल वगैरह आते हैं वो कार्टून बड़े बड़े रहते हैं वो खाली रहते हैं उसके मैंने ऊपर फैब्रिक से कवर करके उसको एज अ छोटा सा टेबल बना दिया जिसमें आप कोई भी अपना पॉट रख सकते हो या फिर कुछ भी होम डेकोर का आइटम रख सकते हो तो ऐसा कुछ जुगाड़ मैंने किया था उस पर मैंने ये पॉट रखा है जो कि मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया था ये जो आप देख रहे हो फ्लावर का बंच ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था कॉम्बो ने मतलब कॉम्बो ऑफ टू मिलता है आपको तो कलर कम्बिनेशन मेरे को बहुत प्यारा लगा रेड एंड येलो ये मैंने बहुत पहले ही परचेज कर लिया था और इसको मैंने 254 समथिंग में परचेज़ किया था और बहुत ही सुंदर लगता है इसके लिए ना बड़ा ही पॉट चाहिएगा छोटे पॉट में ये नहीं अच्छा लगता है तो ये बड़ा पॉट था मेरे पास तो उसमें मैंने ये लग के इस कॉर्नर पर रख दिया आप, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है और यहाँ पे फिर आ जाते हैं जैसे एंटर करोगे मेरे लिविंग रूम के लिए लाइक एंट्रेंस डोर आप बोल सकते हो वहाँ पे मेरे पास एक वॉल खाली था लाइक like खाली पड़ा हुआ था तो उसको मैंने ये वुडन वॉल हैंगिंग से डेकोर किया है ये मेरे को सेट ऑफ टू मिला था ऐसा दो मेरे को मिला था ऊपर आपको रिंग मिल जाता है हैंग करने के लिए और जो सबसे ऊपर जो जूट का काम हुआ है आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ऐसा वॉल हैंगिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में तो ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप का लिया है इसमें आपको आगे वुडन दिया होता है नीचे और उस पर आप कुछ भी अपना डेकोर कर सकते हो उस पर मैंने ये सेट ऑफ टू आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगाए थे जो कि मैंने को वन ट्वेंटी टू रुपीज मिल गए थे मीशो से ही मंगाया था तो वो मैंने इस पे डेकोर कर दिया है क्योंकि इस पर छोटा ही छोटा प्लांट्स डेकोर हो पाएगा कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है एंट्रेंस डोर के पास ही यहाँ पे स्पेस खाली था तो वहाँ पे मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रख दिया है ये जो आप पॉट देख रहे हो बुद्धा का आ, प्लांट पॉट ये मैंने मीशो से ही लिया है दो का सेट मेरे को मिला था तो एक मैंने इस बगल रखा है एक उस बगल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है पर नीचे का प्लेट मैंने लोकल मार्केट से लिया वो आपको नहीं मिलता इनडोर प्लांट्स ला इसमें मैंने अच्छे से लगा दिया है अच्छा लगे क्योंकि घर में भी प्लांट्स होने जाइए तो इसे वाइव और बहुत अच्छा होता है तो वैसे मैंने ये दो प्लांट्स इधर रख दिए अगल बगल और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने के बहुत बुद्ध जी का जितना भी आपको इसमें फिनिशिंग दिखेगा ना वो सारा थ्री डी है अभी आ जाते हैं सोफा पे सोफा पे कवर तो हम लगाएंगे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते फिर और गंदा हो जाएगा तो ये मैंने कवर जो आप देख रहे हो सोफा कवर ये मैंने मीशो से ही लिया है बहुत ही सुंदर लाइक ये सोफा कवर मेरे को लगा इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है लाइक बेच बीच क्या मैं क्रीम कलर में आपको रेड ग्रीन एंड ब्राउन गोल्डन ये सारे का मेक्सअप कलर दिया हुआ है कलर कॉम्बिनेशन को बहुत प्यारा लगा बीच बीच में आपको फ्लावर्स देखने में मिल जाएंगे 1200 समथिंग का मेरे को ये सोफा कवर सेट मिला था बट इसमें आपको फाइव सीटर सोफा कवर सेट मिल जाता है एक सेंटर कवर सेट मिल जाएगा एंड सिक्स आपको क्वेश्चन कवर सेट भी मिल जाता है इतना कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कवर दूसरा लगाया है यहाँ पे आपको देखने में मिल रहा होगा की फोर ही आपको सोफा सीटर दिख रहा होगा क्योंकि एक सिंगल मैंने ना अपने रूम में सेट किया हुआ है बेडरूम में तो यहाँ पे नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है वैसे वह मैंने एक सिंगल सीटर मैंने हटा दिया है यहाँ से और ये भी क्वेश्चन कवर आप जो देख रहे हो ये मैंने मीशो से लिया था फाइव क्वेश्चन कवर का सेट आया था यहाँ पर मैंने थ्री थ्री ही क्वेश्चन कवर लगाया है क्योंकि थ्री ही नीड होगा और यहाँ पे एक सेंटर टेबल पे मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रख दिए हैं जो कि मैंने सिक्स सेट ऑफ सिक्स लिए थे उसमें से एक यहाँ रखी हूँ हॉल आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये मैंने होममेड ना ये बनाया था डीआईवाई किया था तो उसमें मैं एक टोकरी यहाँ पे ला दी हूँ कुछ भी सामान वगैरह हो तो इसमें रखा है ये नहीं कि नीचे जाए देन मैंने सोफा के बगल में जो कॉर्नर था वहाँ पे फिर स्पेस थोड़ा मोड़ा खाली लग रहा था तो ये मैंने ये एक जो पैरेट का कुछ तो सो पीस था बहुत सुंदर बहुत पहले मम्मी इसको ला के रखी थी लोकल मार्केट से तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है कई वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ये वाला तो बस हमारा ये छोटा मोटा सा बहुत ही मिडिल क्लास सा लिविंग रूम रेडी है और बहुत ही लाइक यू नो बजट में मैंने ये सारा ही चीज़ जो मंगाया है और उससे मैंने डेकोर किया है आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा मेरा लिविंग रूम कैसा लगा मैंने कैसा डेकोर किया था और इसमें क्या होना चाहिए था और या और सारे का मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मीशो से होम डेकोर के इसमें यूज़ किए मैं सारे के कोड लिंक जो भी मिलेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो उसकी चिंता मत करिएगा ओवरऑल मेरा ये लिविंग रूम मेक ओवर आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो सो so, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था वैसे मैंने कैप्चर किया है तो चलिए फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको होम डेकोर में और क्या वीडियोस देखने हैं वैसी तरह मैं लाऊंगी और रहिए तो 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 ने वीडियो पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल माय नेक्स्ट बाय स्टे हैप्पी स्टे है बाय